तो भाई मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन बात करने वाला हूँ, ठीक है, जिसको हम बनाना बाउंड भी कहते हैं। बिल्कुल, जिसे हम बनाना बाउंड भी कहते हैं। अब इस बाउंड को देखूंगा, यहाँ पर ये जो बोरोन है ये इस तरीके से होता है, और बोरोन तीन बाउंड बनाता है, तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन है, 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 ठीक है। अब ये जो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से बाउंड बनाएगा, लेकिन ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, ये इसको देता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से बाउंड बनाएगा और ये इसको देता है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इन तीनों के बीच में फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है बनाना बाउंड, और इन चीज़ों को, ये जो हाइड्रोजन बताया जा रहा है, इसको इस बाउंड को, राइट, इस जो ये बनाना बाउंड है, इसको बोला जाता है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बाउंड, और इस बाउंड को बोला जाता है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, इसका मैकेनिज्म पर फोकस करना है। सबसे पहले जान लेता हूँ कि कौन सा बाउंड प्लानर है, कौन सा बाउंड नॉन प्लानर है। तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, ये इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो बाउंड होता है, राइट, ये इस तरीके से बनाना बाउंड होता है, ठीक है, ये इस तरीके से बनाना बाउंड होता है, ठीक है। अब ये जो बाउंड है, राइट, ये जो ऊपर वाला बाउंड है, समझ रहे हो, इस तरीके से इस तरीके से जो बाउंड होता है ये एक प्लानर है, और ये जो है ये ऊपर लेवल का है, ये नीचे लेवल का है। ये बनाना बाउंड जो होता है वो प्लेन से हटके होता है, ये एक 3D जियोमेट्री है, ठीक है। तो अब यार बेसिकली अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि बनाना बाउंड में होता क्या है, ठीक है। तो ये अपना बोरोन है, ठीक है, ये अपना बोरोन है, और इसके पास ये इस तरीके से ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन है जिसके पास एक एस सबसेल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ओवरलैपिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करता है, और ये जो बोरोन है इसके पास जो है ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें जाता है, ठीक है। अब दूसरा में क्या होता है कि इसके पास ये इस तरीके से वैकेंट पी ऑर्बिटल है बोरोन के पास, और इसके पास ये इस तरीके से है एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने जो पीस इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन होता है तो ये ओवरलैप कर लेता है, और यही इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू आता है। तो यार यही ओवरलैपिंग का फेसेस ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यही कुल इस तरीके से ओवरलैपिंग बना के एक बनाना बाउंड का शेप ले लेता है, जो कि यार ये इस तरीके से मैं मान सकता हूँ ये बनाना बाउंड का शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये एक अपना डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आ गया। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स। उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7, और यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, जिसमें कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस पर अटैक कर देता है, तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आएगा जिसमें एट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा। तो हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। तो यार स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यार ये कुछ स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है, ये बोरोन इस तरीके से हम बना देंगे, और ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन और ये बोरोन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बोरोन है, ये जो बोरोन है, ये तो दो ही बाउंड बनाया, तो एक बाउंड किससे बनाएगा भैया, ओ माइनस Na पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो होगा ये O निगेटिव और ये Na पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो बोरोन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसको जो डोनेट करेगा वो H2O मॉलिक्यूल, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको H2O मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और इस बोरोन को हम sp3 हाइब्रिडाइज कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज। और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा जा चुका है कि ये जो होता है बोरोन किस तरीके का हाइब्रिडाइज, चार बोरोन होता है तो कौन से sp3 होते हैं और कौन से sp2 होते हैं। तो यार ये जो होता है भैया sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये अपना बोरेक्स का स्ट्रक्चर है, और बोरेक्स भी टेस्ट भी होता है, जो कि टेस्ट किया जाता है कि कौन से मेटल्स का जो कलर किस तरीके का है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियोस है आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही प्रॉब्लम्स को देखने के लिए इस चैनल को, अपने चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।